सवाबी में दरियाए सिंध के किनारे आबाद हंड वो मकाम है जहाँ से सिकंदर आजम ने दरियाए सिंध अबूर किया। आज इस मकाम पर सिकंदर आजम की यादगार के तौर पर एक यूनानी तर्ज का मीनार भी तामीर किया गया है। खुदाई से मिलने वाले गंधारा तहजीब के आसार भी महफूज किए गए हैं। हंड किला की सदियों पुरानी दीवार की निशानियाँ अब भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और नॉलेज में इजाफा भी हुआ है और रिसर्च वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ नॉलेज है। हंड अजायब घर भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है जहाँ एक हुजरा और पांच मुख्तलिफ गैलरियाँ हैं। इनमें गंधारा आर्ट के मुजस्मे, सूबे की तहजीब और सकाफत, इस्लामी गैलरी और खुदाई में दरियाफ्त होने वाले नवादरात और कदीम सिक्कों की गैलरी शामिल है। नस्ल इंसानी की तारीख में इसको एक खास मकाम हासिल है, खासकर जब हम गंधारा की बात करें तो गंधारा में सवाबी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हंड के अलावा अजीज डेरी में भी बुद्ध मत की इबादत गाह और रिहाइश गाहें दरियाफ्त हुई हैं। इस मकाम पर सिकंदर आजम की फौज के कुछ लोग रिहाइश पजीर रहे, यही वजह है कि यहाँ इंडो यूनानी तहजीब के आसार भी मिले हैं। हंड एक ऐसा मकाम है जहाँ कदीम आसार के साथ साथ दिलफरे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं, यही वजह है कि सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। कैमरामैन सपन बुखारी के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़, सवाबी।